हेलो हाउ आर आर यू ऑल वी लाइव लाइव यस पार्टी क्या हम लोग आ चुके हैं फटाफट से जल्दी जल्दी मुझे बता देना सो दैट वी कैन जस्ट गेट स्टार्टेड विद आउट क्लासेस राइट ओके तो आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं ठीक है थीके? बहुत मजा आने वाला है बहुत 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 मजा आने वाला है टुडे वी आर स्टार्टिंग विद वन ऑफ द वेरी फेवरेट चैप्टर्स ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत 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 मज़ा आता है एंड बहुत ही अमेजिंग चैप्टर है और आज बेटा हम लोग शुरुआत करने वाले हैं डिमांड इस चैप्टर के एंड लेट मी चेक ओवर हेयर अंशिका सना गुड मॉर्निंग देन वी हैव रिम जिम गुड मॉर्निंग मधु आकाश देन कावेरी गुड मॉर्निंग धैन वी हैव ओवर हेयर दिया गुला राहुल उल्लास एवरी वन ऑफ वेरी गुड मॉर्निंग गाइस वेरी गुड मॉर्निंग सर कल क्लास क्यों नहीं हुआ कल किसी कारणवश हम बिजी थे इसलिए कल क्लास नहीं ले पाए बचपाटी बट डोंट वरी एट ऑल कोई टेंशन नहीं है आज आ गए हैं आज पढ़ लेंगे राइट आज आ गए हैं आज पढ़ लेंगे चिंता नको करूँ ओके okay, चलिए शुरुआत कर दें फटाफट से तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को बुला दो फटाफट से तुम्हारे सारे फ्रेंड्स को बोल दो क्योंकि यार आज ना पहला दिन है और मैं चाहता हूँ कि पहले दिन पर ना बहुत अच्छे से हमारी पढ़ाई होनी चाहिए ठीक है आई जस्ट बिलीव दैट कि हमारी फर्स्ट डे पे बहुत ही अच्छे से पढ़ाई होनी चाहिए आप लोग को बेसिक्स फंडामेंटल्स इंटरेस्ट आना चाहिए सो दैट वी कैन कंटिन्यू दिस चैप्टर फॉर लॉन्ग एंड लॉन्ग टाइम बिकॉज ये वन ऑफ द वेरी वेरी बिग चैप्टर्स है वन ऑफ़ द वेरी बिग चैप्टर्स राइट लव फ्रॉम लखनऊ सर आप बच्चे लग रहे हो हाँ बेटा और क्या मैं तुम्हारी तो एज का हो बेटा हम में ज्यादा फर्क नहीं है ठीक है आप एक तरफ मेरी फोटो लगाना एक तरफ आपकी फ़ोटो लगाना और देखना मैं ज़्यादा यंग लगूँगा ठीक है यस चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं सो so, बच्चा पार्टी माइसेल्फ वकील एस डागा रिसर्च एनालिस्ट मोटिवेशनल स्पीकर एंड एजुकेटर फॉर इकोनॉमिक्स आई एम ऑल्सो एन एजुकेटर फॉर ई आई एस एन एस एम फॉर द इंटर ठीक है तो वहाँ पर भी मैं रोज आप लोगों के सीनियर्स के लिए प्लस बैच में लेकर जा रहा हूँ ई आई एस एस एम की क्लास बारह बजे से डेढ़ बजे तक होती है रोज आना आपके भी अगर कोई सीनियर्स रहेंगे तो आप जरूर उनको बताइएगा ई आई एस एस एम पढ़ना है तो डागा टेंथ से पढ़िए राइट यस तो बजा पार्टी लेट मी टेल यू ये जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये जो है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो इंडिया के टॉप एडुकेटर्स इंडिया के टॉप एडुकेटर्स राइट आप लोगों यहाँ पर पढ़ाते हैं आई कैन बेट यू दैट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एवर टीम्स फॉर सी ए फाउंडेशन इन इंडिया बहुत ही अमेजिंग टीम है यू कैन लर्न फ्रॉम दिस टीम यहां पर हर एक एडुकेटर उतना ही पैशनेट है तुम्हें सिखाने के लिए यस। यू कैन चेक इट आउट गाइज ये हमेशा एकाग्रता जो आता है वो दो हिस्सों में आता है यहाँ पर भी कंप्लीट सिलेबस होता है यहाँ पर भी कंप्लीट सिलेबस होता है अगर तुम प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो तुम लोग ये भी कर सकते हो ये भी कर सकते हो लेकिन कोई भी एक करो मतलब ठीक है कोई भी एक करना चाहिए ये वाली बैच हमारी ऑलरेडी शुरू हो चुकी है 26th ऑफ मे से जो खत्म होने वाली थर्टी ऑफ सेप्टेम्बर तक मंडे से लेकर सैटरडे तक होता है और ये वाली बैच जो है अभी शुरू होने वाली सिक्सटीन ऑफ जून तक अक्टूबर तक खत्म होगा मंडे से सैटरडे भी ये रहने वाली है यहां पर डिफरेंट सेट ऑफ सेटर्स है यहां पर डिफरेंट सेट ऑफ है यू कैन जस्ट चेक इट आउट यह है तुम्हारे के एडुकेटर्स OK जो इस चैनल पर पढ़ाते हैं राइट वन पॉइंट ओ के एडुकेटर्स ठीक है चलिए और यहां पर देखना बच्चा पाटी ये टू पॉइंट ओके एडुकेटर्स एंड दे आर गोइंग टू स्टार्ट दैच फ्रॉम सिक्सटीन ऑफ जून राइट और यहाँ पर देखना ये हमारी बैच है ये सारी हमारी बैच के क्या है हाईलाइट्स है यहाँ पर हम लोग टाइम टेबल देख सकते हैं जी हाँ यहाँ पर हम लोग टाइम टेबल देख सकते हैं और आप लोगों को याद रखना है मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे को हमारी क्लास होती है चार बजे से लेकर साढ़े आठ बजे तक और फ्राइडे एंड सैटरडे को हमारी क्लास होती है चार बजे से लेकर सवा सात बजे तक और यहाँ पर देखना मैं आप लोगों को मिलता हूँ यहाँ पर साढ़े सात से साढ़े आठ बजे ठीक है बच्चे कहते हैं प्लस में कि सर आपकी क्लास को आप दो घंटा क्यों नहीं रखते हो इतना मज़ा आता है हमारी प्लस की क्लास में आप लोग आपके ही दोस्त जिसने प्लस लिया है उनको पूछ लेना दे आर लाइक कि सर एक घंटे में मतलब हमारा मन नहीं भर रहा है सर आप बहुत ही अमेजिंग पढ़ा रहे हो प्लीज़ सर इसको दो घंटे कर दीजिए लेकिन यस एज पर द टाइम टेबल एज पर द रिक्वायरमेंट आई हैव केप्ट इट लेटर ऑन वी मे सी टू इंक्रीज और डिक्रीज इट मतलब डिक्रीज तो नहीं बट इनक्रीज ठीक है और मैं आपको कह दूँ कि अगर किसी को भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना होगा तो आप लोगों को क्या करना है आप लोगों को बचापाटी यहाँ पर जाना होगा अन अकेडमी की के वेबसाइट पर कुकीज को यहाँ पर एक्सेप्ट कर लो कुकीज को खा लीजिए एंड यहाँ पर स्टार्ट लर्निंग पर करना होगा क्लिक एज एस एज यू क्लिक ऑन स्टार्ट लर्निंग आपका गोल सेलेक्ट कीजिए गोल सेलेक्ट करने के बाद फाउंडेशन को सेलेक्ट कीजिए फाउंडेशन को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप लोग एक सेकेंड ना मैं आपको बताता हूँ बैचेस कहाँ पर देखती है यहाँ पर बच्चा पार्टी आप लोगों को एक चीज करनी है अगर आप लोगों ने नहीं करी होगी तो मैं आपको बता देता हूँ ए के एच आई एल ई एस एच अखिलेश अखिलेश डागा अखिलेश डागा को यहाँ पर सर्च करना है और देखना यहाँ पर यहाँ पर इसको फॉलो करना मत भूलिएगा अखिलेश डागा जी को ठीक है और यहाँ पर बजा पार्टी आप लोग मेरी स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो अभी तुम्हारे सीनियर्स का क्या चल रहा है रिविजन चल रहा है आज शाम में मैं उनके लिए फिफ्टीन डे स्ट्रैटेजी भी लेकर आने वाला हूँ आप लोगों को सिर्फ ऐसे ही मन कर गया और आप लोग फ्री रह गए तो आ सकते हो आज यूट्यूब पर पाँच बजे उनकी फ़िफ्टीन डे स्ट्रैटेजी हम बताने वाले हैं यहाँ पर देखना है बजा पार्टी ये है तुम्हारी ये सारी प्लस बैचेस है ये देखना बेटा ये इंटरमीडिएट की है जो मैं बता रहा था ये है तुम्हारी एकाग्रता वन पॉइंट ओ इस पर आप लोग क्लिक कर दीजिए गेट सब्सक्रिप्शन पर चले जाइए और गेट सब्सक्रिप्शन जैसे ही जाते हो प्लस आइकॉनिक एंड लाइट आपको दिखाई देता है लाइट ओनली फॉर टेस्ट सीरीज पर बेस्ट एडुकेटर्स इंटरक्टिव लाइफ पर लाइव टेस्ट एंड क्विजेस आइकॉनिक में आपको मेंटोरशिप एक्स्ट्रा मिल रहा है प्रिंटेड स्टडी मटेरियल एंड डाउट सॉल्विंग एक्स्ट्रा मिल रहा है जी हाँ ओ माई गॉड हियर इज एन ऑफर गाइज आपके सामने आप लोग देख सकते हो आपके सामने यहाँ पर ऑफ़र आया है डागाटेन टेन इस कोड को अप्लाई कर दीजिए और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 24 फोर मंथ्स पर टू मंथ्स फ्री 12 मंथ्स पर वन मंथ फ्री सिक्स मंथ्स पर वन मंथ फ्री तो जाइए इंतज़ार किस बात का है एट्थ ऑफ जून तक ये ऑफर वैलिड है मतलब आज क्या है आज क्या है आज सिक्स आज सिक्स नहीं आज सेवन्थ हाँ आज सेवन तो कल तक ये सीमित है डागा टेनिस कोड को लगा दीजिए आइकॉनिक पर भी यहाँ पर है ट्वेंटी फोर मंथ्स पर टू मंथ्स ट्वेल्थ मंथ्स पर वन मंथ एंड सिक्स मंथ्स पर वन मंथ यू कैन गो फॉर लाइट एज वेल येस लेकिन लाइट में सिर्फ और सिर्फ क्या होता है लाइट में सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज है जी हाँ माई पर्सनल रिकमेंडेशन इज़ गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन एज ऑलवेज ऑलवेज से यू कि आपको बहुत ही रीजनेबल प्राइजेस में यहाँ पर सब कुछ मिल रहा है सो ट्वेंटी फोर प्लस टू मतलब ट्वेंटी सिक्स मंथ्स आपको मिल रहे हैं सिर्फ और सिर्फ थर्टी सिक्स थाउजेंड जीरो सिक्सटी वन में और जैसे कि मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को आप आइकॉनिक के साथ भी जा सकते हो जी हाँ सर जो अफोर्ड नहीं कर सकता है प्लस उनके लिए कंप्लीट सिलेबस होगा ना नतीशा खुराना नतीशा खुराना मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ यहाँ पर देख लीजिए सी लाइव डेली में चले जाइए और किस तरीके से हम लोग यहाँ पर पढ़ा रहे हैं डेफिनेटली इट इट इज़ गोइंग टू बी हैपन ओवर योर एज वेल बट एक चीज जो हमेशा वहाँ पर एज मिलता है वो होता है आर टी पी एम टी पी बैच और नाइन हंड्रेड एम सी क्यू टेस्ट सीरीज डेफिनेटली वहाँ पर कुछ अच्छा है ठीक है यहां पर खराब होगा इसका मतलब ये नहीं है यहां पर भी हम लोग उतनी शिद्दत से पढ़ाएंगे लेकिन हाँ वो बहुत 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 फायदेमंद होता है और अगर आप लोग कर सकते हैं एफोड तो डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट सिक्स मंथ्स देखो यार आप लोगों को सिक्स मंथ्स भी कितने में मिल रहा है यहाँ पर इलेवन मतलब इतनी तो जनरली एक सब्जेक्ट की फीस होती है इतनी एक सब्जेक्ट की फीस होती है यहाँ पर आपको चारों सब्जेक्ट्स मिल रहे हैं

और मैंने जून अटेम्प्ट है सो मैंने 16 घंटे 2x पर देखा पूरा इको कर लिया वाओ मैन दिस इज अमेजिंग भाई दिस इज एब्सोल्यूटली अमेजिंग यस हां बेटा तुम्हारे लिए फ्री कंटेंट बेटा यस yes, रोशनी जी आप सभी लोगों के लिए सृष्टि पवार तो सृष्टि जी आपका बहुत ही अमेजिंग चल रहा है प्रिपरेशन यस ओके तो दैट इज रियली अमेजिंग यार एक बच्चा था मैं आपको बता दू लास्ट टू लास्ट बैच में उसने तीन दिनों में कुछ 58 एट वीडियोज देखे थे और ये मैंने मेरे इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया उसका मैसेज आता सर मतलब मुझे बहुत लेट पता चला और मैंने बहुत ही लेट पढ़ाई शुरू करी थी इन इन थ्री डेज आई हैव वॉच फिफ्टी एट वीडियोज़ ऑफ योर्स डेफिनेटली टू एक्स पे देखे होंगे वन पॉइंट फाइव एक्स पे देखे होंगे आई डोंट नो बट ही वॉज लाइक कि सर मुझे बिल्कुल भी बोर नहीं हुआ और मुझे किसी भी हालत में पढ़ाई कम्प्लीट करनी थी एंड दे वो इंटरेस्टिंग दैट आई हैव वॉचड फिफ्टी एट वीडियोज इन अ सीरीज जैसे हम लोग वेब सीरीज़ देखते वैसा आई वॉज लाइक कि भाई तुम मजाक कर रहा है क्या ऐसे कैसे हो सकता है ऐसे कैसे हो सकता है बट हाँ उसने उसने कबूल किया यार मैं क्या करूँ मतलब देखा होगा मुझे नहीं पता कैसे क्या किया कुछ नहीं किया मैंने वो इंस्टाग्राम पे पोस्ट भी किया है मेरे, राइट यस चलिए सो लेट्स गेट स्टार्टेड पार्टी फटाफट -फड़ से शुरुआत करते हैं डिमांड मुझे बताइएगा अरे यार क्या कर रहे हो भाई मतलब कितने लोग देख रहे हैं और कितने लाइक्स है क्या मतलब क्या ऐसे क्या कर रहे हो हम फैमिली नहीं है क्या अभी अब पूरा एक चैप्टर खत्म करवा दिया यार हम फैमिली नहीं है तुमको अभी बोलना पड़ेगा मतलब अटेंडेंस लगा दो यार अटेंडेंस लगा दो यार फटाफट से अटेंडेंस लगा दो ठीक है पेड क्लास योर टोटली गॉड क्रेज थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच कार्तिक ओनली नहीं क्या है कृतिका ओनली कृतिका जी थैंक यू सो मच यस सो यहां पर बचा पार्टी ओके लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड नाउ तो हम यहां पर नाम लेते हैं चलिए कृतिका जी का नाम लेते हैं ठीक है कृतिका जी का नाम लेते हैं और कृतिका जी का एग्जाम्पल लेते हैं ठीक है तो बच्चा पार्टी यहां पर समझने की कोशिश करना यहां पर समझने की कोशिश करना हमारी जो फ्रेंड फ्रेंड तुम्हारी मतलब ठीक है तुम्हारी फ्रेंड जो है कृतिका ठीक है तुम्हारी जो फ्रेंड है क्या नाम है उसका कृतिका जिसका नाम है तो कृतिका जी को क्या चाहिए था कृतिका जी को एप्पल का आईफोन चाहिए था कृतिका जी को का चाहिए था. और अपने पप्पा से कहा पप्पा 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 मेरे को एप्पल का आईफोन चाहिए क्या बोला कृतिका जी ने पप्पा को बोला मेरे को एप्पल का आईफोन चाहिए तो कृतिका जी ने यहां पर अपनी इच्छा अपनी इच्छा को अपने पप्पा के सामने रखा मतलब वो क्या है डिजायर है डिजायर क्या रखा कृतिका जी ने अपने पप्पा को क्या रखा अपने सामने इच्छा रखी इच्छा ठीक है ये सर आप जो पढ़ाते ऐसा लग रहा है कि स्टोरी सुन रहे हैं और मतलब पूरा इंटरेस्ट बनता है वेरी गुड यार दैट्स दैट्स हाउ वी डू इट राइट तो कृतिका जी ने बोला कि आईफोन चाहिए पापा आईफोन अब पापा सोच में पड़ गए पप्पा सोच में पड़ गए पप्पा ने कहा कि बेटा मेरे पास कैपेसिटी है मेरे पास पैसा है लेकिन मैं तुमको आईफोन नहीं देने वाला क्या कहा पप्पा के पास बहुत पैसा था पप्पा बहुत अमीर थे ठीक है पप्पा बहुत अमीर थे पप्पा की कैपेसिटी भी थी लेकिन पप्पा ने बोला नहीं अभी से मैं तुम्हें एक एक दो दो लाख के फोन अगर देते रहोगा तो तुम बिगड़ जाओगे तो पप्पा ने साफ साफ मना कर दिया और पप्पा ने यहां पर बोल दिया कि मैं तुमको एप्पल का आईफोन नहीं देने वाला मैं तुमको एप्पल का आईफोन नहीं देने वाला तुमको चाहिए तो मैं तुम्हें नोकिया का दे दूंगा डबल थ्री जीरो वन <laughs> डबल थ्री जीरो वन टेक दिस फोन ऑफ नोकिया और कृतिका जी इतना गुस्सा हो गए अपने पप्पा पर कृतिका जी ने कहा मत दीजिए मुझे आईफोन इनफैक्ट मुझे फोन ही नहीं चाहिए जाओ आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग आई डोंट वॉन्ट एनी थिंग लेकिन 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 सुनना लेकिन सुनना पप्पा ने कृतिका को एक ऑप्शन दिया पप्पा ने कृतिका को एक ऑप्शन दिया पता है क्या ऑप्शन दिया पापा ने बोला कृतिका इफ यू वांट टू बाय फोन यू कैन बाय दैट फोन एब्सोल्युटली आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम बट बट तुम तुम्हारे सेविंग्स के पैसों से इस फोन को बाय करना तुम तुम्हारे सेविंग्स से इस फोन को बाय करना हे hey भगवान हे hey भगवान व्हाट इज दिस अब कृतिका जी ने फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेकर ट्वेल्थ स्टैंडर्ड तक जब भी वो अपने रिलेटिव के पास जाती थी पैर पौनाक करती थी और उनको यहाँ पर क्या मतलब कहते हैं ना हम लोग हमारे इंडियन कल्चर में हम लोग पैर छूते हैं या छुट्टियों में घर पर जाते हैं हमारे नानी जी के घर पर नाना जी के घर पर या जो भी है या रिलेटिव जो भी है वॉट एवर इट है तो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर हमको जो सेविंग्स से पैसा जो मिलता है ना हम लोग को बचा बचा कर रखते हैं तो यहां पर अभी यार ये कृतिका बहुत 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 क्या अमीर है बड़े लोग हैं यार इनको पेरी पोना करने पर मतलब पाँच पाँच हजार रुपये मिलते रहेंगे ठीक है हम क्या है हम आम आदमी हैं हमको तो बेटा ज्यादा कुछ नहीं सौ दो सौ रुपये मिल जाते हैं ठीक है लेकिन कृतिका जी अभी ये एप्पल आईफोन कर बातें करने वाले लोग है ये बड़े लोग है ठीक है तो इन्होंने क्या बोला इन्होंने फिर एक दिन गुस्से में आकर इन्होंने फिर गुस्से में आकर बोला कि अब तो ना मैं मेरे खुद के पैसों से आईफोन लेने वाली हूं क्या अब तो मैं मेरे खुद के पैसे से आईफोन लेने वाली हूं लिया उसने ऐसा अपना पिगी बैंक ठीक है और ऐसे फेंक दिया नीचे और उसमें से पैसे निकालकर गिनने लगी दस हजार बीस हजार तीस हजार चालीस हजार पचास हजार साठ सत्तर अस्सी नब्बे सौ एक सौ दस एक थाउजेंड, वन लाख थर्टी थाउजेंड वन लाख फोर्टी थाउजेंड रुपीज भाई ये इतना पैसा किसके पास होता है मेरे पास तो नहीं होता था भाई इतना पैसा मेरे पास तो इतना पैसा बिल्कुल भी नहीं होता था वन लाख फोर्टी थाउजेंड रुपीज कृतिका वॉज है, नहीं, 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 है। तो कृतिका जी के पास वन लाख फोर्टी थाउजेंड रुपीज थे हा रुपीज थे और वो एप्पल का जो आईफोन था वो आ रहा था कितने में पता है वो आ रहा था वन लाख एप्पल का आईफोन आ रहा था तो कृतिका जी ने मन बना लिया है कि चलो भाई अब तो हम क्या करेंगे अब तो हम एप्पल का फोन लेकर आएंगे और 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 उसने पप्पा से कहा क्या कहा उसने पप्पा से उसने पप्पा से कहा पप्पा चलो फोन लेने जाते हैं मेरे पास इतना पैसा है लेट्स गो तो यहां पर वो जा रही थी अपने पापा के साथ वो जा रही थी अपने पापा के साथ और जैसे ही वो गई और वहां पर पता चला कि ये रहा तू वो फोन लेने ही वाली थी वो फोन लेने ही वाली थी उतने में उसको ऐसे कुछ तो भी अजीब सा लगा क्या लगा उसको अजीब सा लगा पप्पा ने बोला कि अभी फोन लेके जाते दिखाओ पैसा तुम लेकर आए हो ना पैसा दिखाओ भरने जाते हैं बिल भरने जाते हैं बिल भरने जाते हैं भाई 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 सुनना सुनना मतलब यहां पर हमारी डिजायर भी है हमारी कैपेसिटी भी है लेकिन जब पैसे देने की बारी आ रही थी तो यह मना कर दिया किसने कृतिका ने कृतिका ने मना कर दिया पता है क्या बोली उसको एक मिनट के लिए सोचा उसने कि यार मैंने बचपन से लेकर अभी तक 12 साल हो गए मैंने इस पैसों की सेविंग्स करी है और ये एक फोन के पीछे एकदम अचानक से पूरा की पूरा सेविंग्स खत्म हो जाएगा मेरे पास क्या बचेगा सिर्फ पंद्रह हजार रुपए फिफ्टीन थाउजेंड रुपीज इसने मना कर दिया पप्पा ने बोला क्यों तेरे पास तो पैसा है चल फटाफट दे दे मैंने तो कहा था तू तो तेरे सेविंग से खरीद सकती है मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है उसने कहा नहीं मेरे को नहीं खरीदना है पपा ने कहा बट यू विश टू दिस फोन बेटा उसने कहा नहीं पप्पा ने फिर उसको ऑप्शन दिया पप्पा के चेहरे पर हंसी पप्पा के चेहरे पर हसी आई हंसी पप्पा ने कहा आई विल गिव यू द फोन आई विल गिव यू द फोन यू दिस मनी तुम तुम्हारी सेविंग्स रखो लेकिन तुम तुमको एप्पल का आईफोन नहीं दूंगा तुमको मैं वन प्लस देता हूँ तीस हजार का फोन देते तुमको तीस हजार का तो पप्पा ने फिर वो डिज़ायर भी था कैपेसिटी भी थी और रेडीनेस भी था तो जब ये तीन चीज़ें मिलती है तभी हमारा डिमांड होता है मतलब अगर सिर्फ मेरी इच्छा होती है तो क्या वो डिमांड होगा वो डिमांड नहीं होगा अगर मेरे पास इच्छा भी है और मेरे पास पैसा भी है तो भी वो डिमांड होगा वो डिमांड नहीं होगा मेरी इच्छा है मेरे पास पैसा है और अगर मैं वो खर्चा करने के लिए तैयार हूं तो ही वो डिमांड होने वाला है राइट ठीक है समझे क्या समझे क्या समझे क्या एवरी वन यू गेटिंग इट गाइज मजा आ रहा है मजा आ रहा है बेटा यस 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 मजा आ रहा है चलिए एक और एग्जाम्पल देते हैं कौन है गोविंद का एग्जाम्पल देते चलो गोविंद का एग्जाम्पल देते बेटा गोविंद गोविंद ब्रो हमारे कक्षा में एक लड़का था जिसका नाम था गोविंद जिसका नाम था गोविंद और गोविंद ने क्या किया गोविंद ने बोला सर 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 इतना पैसा है आपके पास क्या कर रहे हो सर ठीक है क्या कर रहे हो इतना पैसा है सर आपके पास देखो सर मैं सच्ची बात बताता हूं मेरी तो कैपेसिटी है नहीं आईफोन लेने की ठीक है लेकिन मेरी इच्छा बहुत है सर मेरी इच्छा बहुत है और मैं खर्चा भी कर सकता हूं सर आई एम विलिंग टू स्पेंड एज वेल मैं पैसा जो है मैं खर्चा भी कर दूंगा उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरी इच्छा भी बहुत है वो भी प्रॉब्लम नहीं है लेकिन सर मेरे पास पैसा नहीं है ना कैपेसिटी नहीं है सर कैपेसिटी नहीं है तो फिर उसने कहा सर आप पैसा दे दो सर हम खरीद लेंगे हो जाएगा डिमांड कंप्लीट मैंने कहा भाई मेरे पास भी पैसा नहीं है नहीं। तो क्या हो गया समझने की कोशिश करना समझने की कोशिश करना वो खर्चा करने के लिए तैयार है उसके पास डिजायर भी है अरे लेकिन उसके पास कैपेसिटी गैपस नहीं है ना बो उसके पास कैपेसिटी नहीं है तो कैपेसिटी अगर नहीं होगी लेकिन स्पेंड करने के लिए तैयार है और इसके पास डिजायर भी है तो वो डिमांड होगी क्या नो 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 ठीक है समझ रहे हो क्या नहीं मैं क्या बोल रहा हूं समझ रहे हो आप लोग मैंने क्या बोला ध्यान से समझने की कोशिश करना बेटा ठीक है बहुत डीप था समझने की कोशिश करना ठीक है देखो हम क्या बोल रहे थे हम क्या बोल रहे थे कि गोविंद को पैसा खर्च सकता है जी हां रेडीनेस है गोविंद का डिजायर है हाँ डिजायर है लेकिन गोविंद के पास कैपेसिटी नहीं है तो क्या वो डिमांड हो सकता है नो इट कैन नॉट बी द डिमांड इट कैन नॉट बी द डिमांड अब मेरा एग्जांपल देता हूं मैं आपको ठीक है सर आपका भी हाँ सर मेरा भी ठीक है मेरा एग्जाम्पल देते हैं पार्टी आपको ठीक है मेरा कैपेसिटी एप्पल का आईफोन खरीदने का है हाँ कैपेसिटी है मतलब मैं खरीद सकता हूँ इतना तो पैसा है बेटा थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत कमाया है ज्यादा तो नहीं है घर चल रहा है मेरा बहुत अच्छे से खा पी रहा हूँ जिंदगी में थोड़ी बहुत बेसिक रिक्वायरमेंट भी पूरी हो रही है भगवान भगवान का दिया सब कुछ है बेटा ठीक है तो हमारी कैपेसिटी है और हम खर्चा भी कर सकते हैं आई एम रेडी टू पे एज वेल इतना पैसा मतलब थोड़ा बहुत है थोड़ा बहुत पैसा है और हम वो खर्चा भी कर सकते हैं लेकिन अंदर से वो फीलिंग नहीं है भाई कि एप्पल का फ़ोन लेना है अंदर से ऐसा कुछ डिजायर इच नहीं है कि एप्पल पर एप्पल का फ़ोन लेना है मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि आपका पास पैसा है हाँ और आप खर्चा भी कर सकते हो एक डेढ़ लाख रुपए ऐसा ही हाँ कर सकते हैं लेकिन मेरे को फीलिंग इच्छ नहीं है मेरी डिज़ायर इच नहीं है मेरे को चाहिए ही नहीं है भाई मेरे को नहीं चाहिए एप्पल का फोन मेरे को ऐसा सेल्फी वेल्फी नहीं खींचना है आ, किसके सामने मेरे को सेल्फी नहीं खींचना है मिरर के सामने और मेरे को वो एप्पल का लोगो नहीं दिखाना है मेरे को चाहिए नहीं तो क्या ये डिमांड होगा नहीं बताइए क्या ये डिमांड होगा यस अरे बोलो क्या ये डिमांड होगा या नहीं होगा आप लोग फटाफट से चैट बॉक्स में बता दीजिए बस पार्टी मुझे क्या ये डिमांड होगा कि नहीं होगा एंड द आंसर इज ये डिमांड नहीं होगा ये डिमांड नहीं होने वाला है बिकॉज डिमांड को पूरा करने के लिए डिमांड को पूरा करने के लिए वी नीड डिजायर वी नीड कैपेसिटी एंड वी नीड रेडीनेस टू पेंड और विलिंगनेस टू स्पेंड तो हम आपको कहना चाहते हैं कि डिमांड को कंप्लीट करने के लिए तुम्हारे पास ये तीनों चीज होनी चाहिए दैट इज डिजायर कैपैसिटी एंड रेडीनेस टू पे फॉर द पर्टिकुलर प्रोडक्ट ओवर यर वैन यू हैव डिजायर प्लस कैपैसिटी बट नॉट रेडीनेस इट इज नॉट डिमांड वेन यू हैव डिजायर एंड रेडीनेस बट नॉट कैपैसिटी इट इज नॉट ए डिमांड वैन यू हैव कैपैसिटी प्लस रेडीनेस बट यू डोंट हैव डिजायर इट कैन नॉट बी अ डिमांड हैंस इट इज प्रूव दैट टू मतलब डिमांड को पूरा करने के लिए आपको ये तीनों चीजों की जरूरत होती है तीनों चीजों की जरूरत होती है जी हाँ बचपाट क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है अरे मजा आ रहा है तो कंजूसी कहा करते हो लाइक करो बेटा मजा आ रहा है ना तो लाइक कीजिए ऐसे काहे करते हो कहा करते हो ऐसा ठीक है यस चलिए 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 फाड़ी अभी 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 तो पार्टी शुरू हुई है बेटा बहुत मजा आने वाला है ये जो डिमांड का चैप्टर है ना देखो जिंदगी में इकोनॉमिक्स आए या ना आए बच्चों को डिमांड तो आता ही है थोड़ा बहुत तो आता ही है बिकॉज इलेवेंथ स्टैंडर्ड में जब बच्चा जाता है तो वो डिमांड पड़ता है ट्वेल्थ में भी थोड़ा बहुत डिमांड पड़ता है कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम देता है चाहे वो सी हो सी एस हो सीएमए हो जो भी हो वहां पर भी डिमांड होता ही है तो डिमांड तुम्हारी जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी क्या रहता है डिमांड रहता है तुम्हारे साथ राइट right? यस yes. तो डिमांड ये चैप्टर बहुत ही अमेजिंग होता है बट mm. बट आई वॉन्ट टू से दैट तुम लोगों ने जितनी डिमांड पढ़ी होगी अच्छे से पढ़ी होगी अच्छे से नहीं पढ़ी होगी फॉरगेट इट ठीक है अब हम लोग एक नए नए तरीके से पढ़ने वाले हैं कंसेप्चुअली पढ़ने वाले हैं आप लोगों ने ग्राफ्ट डेफिनेटली रटे हो गए हम लोग ग्राफ्ट यहां पर रटने नहीं वाले हम लोग यहां पर कंसेप्चुअली सब कुछ करने वाले हैं एंड अगर तुम्हारा बहुत अच्छे से हुआ है तो वाई बहुत खूब नहीं हुआ है तो चिंता मत करिए साइंस के हो तो बिल्कुल भी चिंता मत करिए कॉमर्स से हो इंजीनियरिंग से कहीं से भी हो तो भी चिंता नहीं करने का ठीक है क्योंकि मैं हूं ना यहाँ पर चलिए यस yes. आगे आगे बढ़ते सर आपका टीचिंग स्टाइल बहुत अच्छा है सर थैंक यू सो मच रिया जी यस साल वी गेट स्टार्टेड एवरी वन मेरे को और भी कुछ बोलना है मैंने तो फर्स्ट टाइम ही किया है और वो भी अमेजिंग राइट्स ओके आप तो अच्छा अच्छा वाइट टू फ्यर वन डागटन इज यर वाइट टू फ्यर एन डागटन इज योर सो गाइज एंड गर्ल्स समझने की कोशिश करना डिमांड के लिए हम लोगों ने एग्जाम्पल दिया था हमारे कृतिका जी का हमने एग्जाम्पल दिया था गोविंद जी का और हमने एग्जाम्पल दिया था अक्की भैया का और हम लोगों ने डिमांड की ये सारी चीजें समझने की कोशिश करी है सो टूडे नाउ वी आर डन विद द मीनिंग ऑफ द डिमांड लेट्स गेट फर्दर ऑन दॉपिक ऑफ लॉ ऑफ डिमांड ओ माई गॉड ये ऐसे कैसे हो गया ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गया ठीक है इसको कोई बात नहीं बेटा इसको हम लोग सीधा कर देंगे पता नहीं ऐसे कैसे हो गया बट जो भी हो गया है ये बिल्कुल अच्छा नहीं हो गया इसकी अलाइनमेंट थोड़ा बिगड़ गया है हम लैपटॉप पे बनाते हैं लैपटॉप पे तो कुछ अलग दिख रहा था सही दिख रहा था यहां पर कुछ अलग हो गया है बट कोई बात नहीं हम आपको बता देते हैं ये लिखकर बता देंगे क्या है ये क्या नहीं है ठीक है हाँ सो 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 आप समझने की कोशिश करना लॉ ऑफ डिमांड कितने सारे बच्चे मुझे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में सही से बताएंगे बताइए लॉ ऑफ डिमांड का डेफिनेशन क्या है जो भी बच्चे स्कूल में रटे होंगे कॉलेज में रटे होंगे मुझे बताइए कि व्हाट डू यू मीन बाय लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ डिमांड यस नहीं बताइए ना लॉ ऑफ डिमांड क्या है लॉ ऑफ डिमांड क्या है थैंक यू सो मच शिवानी बोलो 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 इनवर्स रिलेशनशिप सर इनवर्स रिलेशनशिप ओके इनवर्स रिलेशनशिप और बताइए और बताइए हमको हमका समझना है कि क्या होता है लॉ ऑफ डिमांड हमका समझना है क्या बोल रहे हो वेन द प्राइज विल चेंज अदर फैक्टर रिमेंस कॉन्स्टेंट इनवर्स रिलेशनशिप प्राइज इंक्रीज डिमांड डिक्रीज वाइस ए वर्ड हर्ष जैन बिल्कुल सही कहा हर्ष जैन प्राइस इंक्रीज डिमांड इंक्रीज अदर थिंगेरी गुड इन वर्स रिलेशनशिप बिटवीटी वेरी गुड रजनीश वेरी गुड मानसी वेरी गुड निधिता देन लक्ष्मी देन कौन हरबिंग श्रिया ओके चलिए हम बताते हैं आपको बहुत अच्छा रट्टा मारे हो बेटा जिंदगी में इतना अच्छा रट्टा मारे बिल्कुल सही बता रहे हो तो हम आपसे बताना चाहते हैं हम आपसे बताना चाहते हैं देखना यहां पर लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हम बतलाएंगे अभी आपको बतलाएंगे ठीक है लॉ ऑफ डिमांड जब आप लिखते हो तो आपको हमेशा एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है एक चीज बिल्कुल भी मत भूलना अदर थिंग्स बीन कॉन्स्टेंट क्या अदर थिंग्स बीन कॉन्स्टेंट ठीक है तो यहां पर सबसे पहले लिख दो अदर थिंग्स बी कॉन्स्टेंट अदर थिंग्स बींग कॉन्स्टेंट अदर थिंग्स बींग कॉन्स्टेंट अदर थिंग्स बींग थिंग्स बींग कॉन्स मतलब क्या है सर वो क्या था तुम्हारा रील क्या था हेड एंड अदर थिंग्स बीन कॉन्स्टेंट हेड एंड राइट वो रील था ना? बस बेटा अदर थिंग्स इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है हमारी डिमांड को किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज से फर्क पड़ेगा और वो है क्या वो है प्राइस वो है प्राइस और ये क्वांटिटी हमारी सिर्फ और सिर्फ प्राइस के कारण चेंज होने वाली है हमारी जो ये क्वांटिटी है ये सिर्फ और सिर्फ प्राइस से चेंज होगी अदर थिंग्स को हम लोगों ने कॉन्स्टेंट कर दिया है सर अदर थिंग्स में लेकिन आता क्या है सर इनकम आएगी अगर तुम्हारा इनकम बढ़ता है तो तुम ज्यादा क्वांटिटी खरीदने वाले हो अगर तुम्हारा टेस्ट चेंज होता है तो तुम ज्यादा खरीद सकते हो अगर तुमको ऐसा लगता है हम लोगों ने ये सारी चीजों को कॉन्स्टेंट बना दिया है सारे की सारी चीजों को कॉन्स्टेंट बना दिया है और हम लोग कहना चाहते हैं कि हमारी डिमांड सिर्फ और सिर्फ एक चीज से चेंज होगी वह है प्राइस प्राइस एंड प्राइस तो हम लोग लॉ ऑफ डिमांड में रिलेशनशिप देखते हैं किसका रिलेशनशिप देखते हैं हम लोग रिलेशनशिप देखते हैं प्राइस एंड क्वांटिटी का रिलेशनशिप देखते हैं तो हम लोग ये समझते हैं हम लोग ये समझते हैं कि अगर हमारा प्राइस ऊपर जाता है तो मुझे बताइए ना हम इंडियन सोसाइटी में रहते हैं बच्चे पार्टी तो मुझे बताइए वेन एवर द प्राइज राइजेस वॉट यू जनरली डू वॉट यू जनरली डू वेन द प्राइज ऑफ द गुड राइजेस योर डिमांड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस प्लीज टेल मी योर डिमांड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस योर डिमांड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस योर डिमांड इंक्रीजेस और डिक्रीजेस डिमांड डिक्रीज होगी ऑब्वियसली बेटा डिमांड तो तुम्हारी डिक्रीज होने वाली है राइट यस एंड डू मीन एंडाइसे मतलब अगर तुम्हारा ये जो प्राइस है प्राइस अगर तुम्हारा नीचे जाता है तो क्वांटिटी में की बदलाव होता है बच्चा पार्टी तो क्वांटिटी अगर तुम्हारा प्राइस नीचे जाता है तो क्वांटिटी ऊपर जाएंगी क्योंकि हम लोग क्या करते हैं भैया ठीक से प्राइस लगाना हमें एक नहीं पांच प्रोडक्ट चाहिए हैं हम सौ नहीं दो सौ खरीदेंगे आप प्राइस बराबर से लगाइए अगर उसने प्राइस को रिड्यूस किया तो हमारी क्वांटिटी ऊपर गई अगर उसने प्राइस को रिड्यूस किया हमारी क्वांटिटी ऊपर गई प्राइस को नीचे किया क्वांटिटी ऊपर प्राइस को नीचे क्वांटिटी ऊपर प्राइस को नीचे क्वांटिटी ऊपर तो हम ये कहना चाहते हैं आपसे कि यहां पर इन दोनों की बनती नहीं है क्या बात कर रहे हाँ देखो ये ऊपर जाता है नीचे जाता है ये नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है तो मतलब इन दोनों की बनती बिल्कुल भी नहीं है ये प्राइस और क्वांटिटी का 36 का आंकड़ा है लॉ ऑफ डिमांड में लॉ ऑफ डिमांड में इन दोनों का 36 का आंकड़ा है 36 का आंकड़ा मतलब क्या सर सास सास साजबहू साज बहु। यह इनका रिलेशनशिप कैसा है सास बहु जैसा बिल्कुल अपोजिट बिल्कुल अपोजिट सर क्या बात कर रहे हो सर हाँ बेटा बिल्कुल सही कह रहा हूं मैं प्राइस ऊपर क्वांटिटी नीचे प्राइस ऊपर क्वांटिटी नीचे प्राइस नीचे क्वांटिटी ऊपर सास बहु का रिश्ता है बेटा राइट एकदम उल्टा चलते हैं एकदम 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 उल्टा चलते हैं छत्तीस का आंकड़ा है छत्तीस का आंकड़ा तो मतलब सर इसके इस रिश्ते को मैं क्या नाम दू नहीं मुझे बताइए इस रिश्ते को मैं क्या नाम दू हम आपसे पूछना चाहते हैं कौन है यहां पर शिवानी शर्मा शिवानी शर्मा हम आपसे पूछना चाहते हैं यह रिश्ता क्या कहलाता है यह रिश्ता क्या कहलाता है कम ऑन एवरी वन यस यहां पर अंशिका जी ने बोला है कुछ नाम दिया है महक ने भी कुछ नाम दिया है क्या दिया है रिलेशनशिप क्या है बोलिए बच्चा पार्टी लॉ ऑफ डिमांड में प्राइस एंड क्वांटिटी ये रिश्ता क्या कहलाता है बताइए बच्चा पार्टी क्या कहलाता है यह रिश्ता इस रिश्ते को मैं क्या नाम दू इस रिश्ते को मैंने नाम दिया है बेटा ध्यान से समझने की कोशिश करना इस रिश्ते को हमने नाम दिया है इनवर्स रिलेशनशिप इनवर्स रिलेशनशिप आर यू गेटिंग इट एवरी वन आर यू इट ओके सर एंड क्वांटिटी कभी सेम रह सकती है क्या अरे अनु 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 सुनो ये सेम कब होगी कब नहीं होगी ये आगे देखेंगे आगे आगे देखो होता है क्या बहुत मजा आने वाला है आगे इतने सारे टाइप्स होने वाले इतने सारे टाइप्स ठीक है किसने का सेम नहीं हो सकते हो सकते हैं हो सकता है चलिए सर आप मेरा नाम ही नहीं लेते यस ऐसे कैसे करते हो सर आप आप तो मेरा नाम ही नहीं लेते आएगा बेटा अपना टाइम आएगा तेरा टाइम भी आएगा डोंट वरी ऑल तेरा टाइम भी आएगा तेरा नाम भी लिया जाएगा ठीक है तेरा नाम भी रोशन होगा डोंट वरी एच अच्छा, ऑल तो इस रिश्ते का नाम है इनवर्स रिलेशनशिप और यहां पर हम आपको बताना चाहते हैं एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ हम आपको बताना चाहते हैं यहां पर यहां पर क्वांटिटी है यहां पर प्राइस है ये था मेरा प्राइस P और यह है मेरा क्वांटिटी Q, और यहां पर देखना यह हो गया मेरा प्राइस P1 और यह हो गया मेरा क्वांटिटी Q1, ये यह मेरा डिमांड कर्व D माय गॉड सर ये कैसे ड्रॉ किया है सर हमको जरा समझाइए हमारा प्राइस पहले पी था जब हमारी क्वांटिटी क्यू थी जब प्राइस पी था तब क्वांटिटी क्यू था क्यों थी क्योंकि प्राइस पी था जब हमारा प्राइस नीचे गया पी वन हुआ पी वन पी वन तब हमारी क्वांटिटी ऊपर गई देखो एक्सपैंड हो गई हमारी क्वांटिटी क्यू हो गया Q1 लेटेस्ट से कि यहां पर अगर मेरा प्राइस टेन था तो यहां पर मेरी क्वांटिटी लेटेस से फाइव था यहां पर मेरा सपोज प्राइस फाइव हो गया तो यहां पर मेरा क्वांटिटी टेन हो गया देखना देखना समझने दे की कोशिश करना बेटा इसमें बहुत मजा है प्राइस जब दस रुपए था तब क्वांटिटी पांच क्वांटिटी खरीदते थे और जब प्राइस डायरेक्टली पांच हो गया तो तब तब हम क्वांटिटी दस खरीदते थे दस खरीदते थे सर ऐसा काहे किया सर अरे बेटा प्राइस नीचे गया ना इसलिए हमने किया ऐसे ठीक है एक सेकेंड बेटा एक सेकेंड देना हमको हमका एक सेकेंड देना ओके यहां पर हमारे कोई मित्र आए थे बेटा आप कोई मित्र आए थे जो स्पैमिंग करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए चलिए कोई बात नहीं हाँ तो प्राइस जब ऊपर था तब तो क्वांटिटी नीचे थी प्राइस हमारा नीचे हुआ और हमारी क्वांटिटी यहाँ पर ऊपर चली गई इसको मैं क्या नाम दूँ इस स्लोप को मैं क्या नाम दूँ इस स्लोप को मैं क्या नाम दू बताइए इस स्लोप को मैं क्या नाम दूँ दू? बिल्कुल सही कह रही है कौन है लक्षिता निगेटिव स्लोप यस बेटा बिल्कुल सही है बिल्कुल 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 सही है यहां पर हम लोग इसको कह सकते हैं निगेटिव स्लोप निगेटिव स्लोप समझ रहे हो समझ रहे हो तो ये जो डिमांड कर्व है हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग इसको हम लोग निगेटिव स्लोप कह सकते हैं यस इसको हम लोग निगेटिव स्लोप कह सकते हैं देखना यहां पर अभी देखना यहां पर बेटा मैं यहां पर क्या कर रहा हूं मैंने यही डायग्राम लिया है सिर्फ और सिर्फ अलग फॉर्मेट पे सो so दैट आपको दिखने के लिए अच्छा लगे तो ये देखो ये हमारा डिमांड कर्व है ये हमारा डिमांड कर्व है डी और इसको हम लोग क्या बोलेंगे इसको हम लोग बोलेंगे नेगेटिव स्लोप से हमें यह भी पता चलता है कि हमारा जो डिमांड कर्व है यह डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है जी हां यह डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है क्या है यह डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कव डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कव डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कव हाँ सर समझ में आ गए सर मतलब आपको अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि डिमांड का स्लोप कैसे होता है पॉजिटिव स्लोप होता है कि कि नेगेटिव नेगेटिव स्लोप स्लोप होता है बोथ ए एंड एंड बी नन ऑफ तो यू हैव टू से दैट इट इज आप लोगों को पूछा जा सकता है कि डिमांड का जो स्लोप होता है वो अपवर्ड स्लोपिंग होता है कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तो आप लोगों को बताना होगा कि वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है आप लोगों को यह रिश्ता क्या कहलाता है यह भी पूछा जाएगा कि डिमांड का रिश्ता क्या कहलाता है तो आपको बताना होगा कि इनवर्स रिलेशनशिप कहलाता है आपको ऑप्शन आएंगे डायरेक्ट रिलेशनशिप इनवर्स रिलेशनशिप पॉजिटिव रिलेशनशिप क्या नहीं? और कुछ तो भी ऑफ़ या कुछ तो आएगा तो आपको बताना होगा क्या इनवर्स रिलेशनशिप इनवर्स रिलेशनशिप तो हम आपको बताना चाहते हैं कि आपको हर एक पॉइंट जो हमने यहां पर लिखवाया है वो आप लोगों को आ सकता है एमसीक्यू के लिए बच्चा तो यहां पर देखना क्लैरिटी के साथ जब approach, जब एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच मिक्स हो जाता है तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है आपके जीवन में जब कॉन्सेप्ट के साथ कॉन्सेप्ट के साथ आपका रिवीजन हो रहा है और उसके साथ आपको एक एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच मिल रहा है तो बेटा मैं हमेशा कहता था कि ग्राफ से आप लोग बहुत सारे एमसीक्यूज देख सकते हो लेकिन सिर्फ आपको मेरी नजरों से देखना होगा जिस नजरों से मैं इस ग्राफ को देख रहा हूं मुझे यहां पर देखो ये सारी चीजें मिल गई आप लोग अगर मेरी नजरों से ग्राफ को देखोगे तो डेफिनेटली आपको उसमें क्वेश्चन नजर आएंगे और डेफिनेटली इट वुड बी एबल फॉर यू टू सॉल्व द एम सी क्यूज गेटिंग एवरी वन गेटिंग एवरी वन क्रिमिनल तो क्रिमिनल बेटा क्रिमिनल ना सच में मैं बोल रहा हूँ इसका ये भी बैकलॉग होने वाला है क्रिमिनल <laughs> का ये भी बैकलॉग होने वाला है वो पूरे लेक्चर में एक ही चीज पूछ रहा है क्या पता है सर बैकलॉग को कवर कैसे करें बैकलॉग को कवर कैसे करें मतलब वो ये लेक्चर भी उसका बैकलॉग हो जाएगा क्योंकि उसका ध्यान पूरा पीछे के लेक्चर्स में था उसका ध्यान पूरा की पूरा पीछे के लेक्चर्स में था बैकलॉग को कवर करना है पीछे जाओ लेक्चर्स को देखो थोड़ा सा ज्यादा टाइम दो संडे को बैठो अभी तक तो सिर्फ एक चैप्टर हुआ है एक चैप्टर बच्चों ने तीन तीन चार चार चैप्टर्स के बैकलॉग कवर करते हैं और इसका क्या हुआ है सिर्फ एक चैप्टर बैकलॉग को कवर कैसे करना है जब मैं एक लेक्चर रेगुलर देखता हूं तो मैं दो देखूंगा मैं तीन लेक्चर देखूंगा और तीन दिन की बात है दस लेक्चर का कवर करना है तीन 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 तीन, तीन लेक्चर भी देख लिए चलो तीन नहीं दो दो लेक्चर देख लिए तो भी बेटा ये पांच दिन में कवर होता है पांच दिन में कवर होता है ये भी बैकलॉग रहे डिमांड भी बैकलॉग में जाएगा बेटा सच्ची बता रहे हैं हम सच्ची बता रहे हैं मैं जब कॉन्सेप्ट के फ्लो में था इसलिए मैंने क्वेश्चन लिया नहीं अब कॉन्सेप्ट खत्म हो गया है आपको समझना चाहिए कॉन्सेप्ट का फ्लो इट इज सो इंपॉर्टेंट भाई कितने जबरदस्त तरीके से हम लोगों ने इसका मीनिंग समझा है अब ये जिंदगी में तुम लोग कभी ना जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे और आई एम नॉट किडिंग इस पर भी सवाल है आप लोगों को इस पर भी एमसीक्यू है कि डिमांड का डेफिनेशन बताओ ऑप्शन ए डिजायर ऑप्शन बी होगा तुम्हारा कैपेसिटी ऑप्शन सी होगा रेडीनेस एंड ऑप्शन डी होगा कि इट इज अ डिजायर प्लस कैपेसिटी प्लस रेडीनेस आपको इस पर सवाल आने वाला है कि ये रिश्ता क्या कहलाता है इनवर्स रिलेशनशिप आपको सवाल आएगा कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है अपवर्ड स्लोपिंग है आपका सवाल आएगा नेगेटिव स्लोप है कि ये है आपका सवाल आएगा अदर थिंग्स बीन कांस्टेंट यस yes. कोई बात नहीं बेटा मैं क्रिमिनल को मैं क्रिमिनल को ब्लॉक नहीं करेगा आज आज नहीं करेगा क्योंकि यार हम चाहते हैं हम चाहते हैं कि वो कुछ सीख जाए और अगर नहीं सीखा तो फिर देख लेंगे तो फिर है ही हमारे सात्विक भैया को बुलाएंगे और क्या करेंगे सात्विक भैया को बुलाकर कर ठाई यस <laughs> yes. ठीक है लेकिन 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 आज के दिन रुक जाएंगे भाई देखो यार भगवान भी दो मौके दे, सबको देता है मैं तो फिर भी इंसान हूँ यार भगवान भी सबको दो मौके देता है आज इसको जितनी स्पैमिंग करनी थी कर ली भाई ने ठीक है जितनी करनी थी कर ली। कोई बात नहीं मेरा दिल बहुत बड़ा है बहुत बड़ा है मेरा दिल लेकिन अगर अगर लिमिट क्रॉस हो जाती है तो फिर हमारे अक्की भैया ऐसे आएंगे लोडेड गन लेके फिर ऐसे कट कर... ठीक है <laughs> यस, पूरा की पूरा पोजीशन के साथ आएंगे पोजीशन के साथ आएंगे खत्म चलिए बेटा कोई बात नहीं है सबको मौका मिलेगा इस क्लास में <laughs> सबको मौका मिलेगा <laughs> चलिए गाइस 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 समझ में आ गया सब कुछ एक बार रिवाइज करते चलो 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 एक बार रिवाइज करते हैं तो ये क्या है हम लोगों ने मीनिंग के एग्जाम्पल क्या देखे थे मीनिंग के एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था कृतिका जी का एग्जाम्पल देखा था ठीक है फिर हम लोगों ने गोविंद भाई का एग्जाम्पल देखा था फिर हमने मेरा एग्जाम्पल देखा था तो एक डिमांड को पूरा होने के लिए क्या 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 जरूरत होती है एक डिमांड को पूरा होने के लिए पार्टी यू नीड टू हैव द डिजायर एज वेल एज सपोर्टेड बाई कैपेसिटी एंड बैक बाय विलिंगनेस टू स्पेंड विलिंगनेस टू स्पेंड अ राइट यस तो आप लोग को समझ में आ गई बचा पार्टी वॉट डू यू मीन बाई मीनिंग ऑफ द डिमांड यस सर समझ में आ गय मजा आ रहा है तो लाइक वाइक करते है रहने का ठीक है ज्यादा टेंशन नहीं लेने का एंड यहां पर देखना बच्चा पार्टी हम लोगों ने लॉ ऑफ डिमांड के बारे में देखा था अदर थिंग्स बीन कॉन्स्टेंट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अदर थिंग्स बीन कॉन्स्टेंट अदर थिंग्स बीन कॉन्टेंट ठीक है तो हम लोगों ने बाकी सारी चीजों को कॉन्स्टेंट बना दिया हम लोग सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप देख रहे हैं प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड का तो जब प्राइस हमारी ऊपर जाती है डिमांड नीचे जाता है जब प्राइस नीचे जाती है डिमांड ऊपर जाता है प्राइस नीचे डिमांड ऊपर प्राइस ऊपर डिमांड नीचे तो इन दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कौन सा रिलेशनशिप है ये एक सास बहू का रिलेशनशिप है

क्वांटिटी ऊपर ऊपर जा रही है क्योंकि प्राइस नीचे क्वांटिटी ऊपर प्राइस नीचे क्वांटिटी ऊपर वाइस एवरसा हम लोग डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड भी देखने वाले हैं डिटरमिनेंट्स डिटरमेंट्स मतलब अदर फैक्टर्स जो मेरी डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं पहले हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्राइस ही देखा पहले हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बारे में ही सोचा लेकिन कल हम लोग देखने वाले प्राइस के अलावा ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं कंज्यूमर की एक्सपेक्टेशंस पॉपुलेशन इनकम तो हम लोग डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड एकदम मस्त तरीके से देखेंगे कल तो कल बेटा जरूर जरूर जरूर, जरूर लेक्चर में आना है कल कोई मिस नहीं करेगा ठीक है एंड डिमांड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर बहुत ही हाई मार्क्स के लिए आता है तो प्लीज 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 कोई मिस आउट मत करना

वन मंथ टू मंथ आने वाले समय में जी हां बिल्कुल हो सकता है यू नो दैट इन्फ्लेशन इज ऑलरेडी कमिंग इन एंड यू नो दैट मेनी फैक्टर्स आर देर सो डेफिनेटली इट कैन राइज यहां पर मेरा पर्सनल रिकमेंडेशन इज टू तो गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन गाइज टू तो गो फॉर द कॉम्बो सब्सक्रिप्शन तो ये तो आप लोग यहां पर कॉम्बो सब्सक्रिप्शन से जा सकते हो एंड यू कैन यूज माई कोड दैट इज डाका टेंट तो यहां पर देखना बेटा ये वाला कोड आप जब लगाते हो तो यहां पर प्रोसीड करना है यहां पर कॉम्बो ऐड करना है थर्टी सिक्स थाउजेंड जीरो यहां पर आइकॉनिक का भी कॉम्बो ले सकते हो जी हां आप लोग यहां पर आइकॉनिक का भी कॉम्बो ले सकते हो ट्वेल्व मंथ्स का ले सकते हो ट्वेंटी फोर मंथस का ले सकते हो एज पर योर विश ठीक है 44, में यह कॉम्बो आइकॉनिक ठीक है सो थैंकू सो मच टाटा बाबा टे एक बार्ट आउट हो जाए टाटा टेन के लिए डी एजीएन जीरो एंड यू कैन जस्ट गिटार्टार्टड विद्लस क्लास थैंक यू सो मच गई सू सुन टूमो एट